नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें तूफानी तेजी चल रही है और उन सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स जो बढ़िया मूव दे रहे हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तीन सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट चाहे कैसा भी हो, चाहे फ्लैट हो या मतलब नेगेटिव हो, उससे अभी कोई मतलब ही नहीं है इन तीनों ही सेक्टर को। पहले अगर आज पर्टिकुलरली देखोगे, आज के लिए तो फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो आज ये मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है और लगभग 2% की तेजी है फार्मा में। 1.79% की तेजी आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रही है, 1.8% की ऑलमोस्ट। और इसके टॉप गेनर्स की बात की जाए तो एबॉट इंडिया लगभग 0.5% ऊपर है, एलकेम लैब 6.5% की तेजी में है और इसी के साथ 4300 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है ये शेयर। आज 250 रुपए भागा है। औरोबिंदो फार्मा 4% की तेजी में, बायोकॉन 1.5% ऊपर है, जाइडस लाइफ 6% ऊपर है, सिप्ला 2%, डिवीज लैब 0.25%, डॉक्टर रेडी 0.25% एंड ग्लैक्सोस्मिथ लगभग 1.5%, ग्लेनमार्क फार्मा 3%, ग्रेन्यूल्स इंडिया 0.25%, इपका लैब 4%, लॉरस लैब्स 1.5%, लूपिन 2.5%, नेटको फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव है, टोरेंट फार्मा 2% एंड सन फार्मा ऑलमोस्ट 1%। तो ये आपको दिखा रहा है कि फार्मा सेक्टर में आज किस हिसाब से तेजी है। कुछ कुछ शेयर्स तो डायरेक्ट 6-6% भागे हुए हैं, जहां पे रिजल्ट्स का एक्शन है, खबरों का एक्शन है, बड़ी तेजी में है। अगर फार्मा की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हमेशा से 2-3 शेयर्स पसंद रहे, जिसमें एक डीवीज लैब का नाम रहा है, एक सिप्ला का रहा है और एक एबॉट का रहा है। बाकी अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स की बात करो तो टोरेंट फार्मा भी यहां से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो ज्यादा आपको दिक्कत देता नहीं है, धीरे 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 पैसा बनाता है। इसी तरीके से एक और स्टॉक है जिसका नाम है एलकम लैब, जो आज तो बहुत तेज भागा हुआ है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट मतलब एक नंबर की क्वालिटी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है ये। लेकिन यहां से अभी मैं किसी में फ्रेश बाइंग और सेलिंग की बात नहीं करूंगा, बस ये अपडेट है। दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं जहां पे टर्न अराउंड चल रहा है, जहां पे रिजल्ट्स बहुत शानदार आ रहे हैं, जिसके दम पर शेयर भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेक्टर तीन स्टॉक, कंपनी ए के नंबर आए, कंपनी ए का शेयर भागा, बाकी के दो भी भागे। थोड़े दिनों बाद कंपनी बी के शेयर आए, बी का शेयर भागा, बाकी के दो भागे। यानी कि हर बार कोई कंपनी नंबर पेश कर रही है सेक्टर से और सारे शेयर्स रैली कर रहे हैं। अब कौन से हैं वो शेयर्स और कौन सा है वो सेक्टर, इस पे आता हूं मैं डायरेक्टली। तो सेक्टर का नाम है टायर स्पेस। और स्टॉक्स देखिए आप, अभी थोड़े दिन पहले जेके टायर के नंबर आए, 8% भागा, सीएट के नंबर आए थे वो भी 4-5% भागा था, और कल अपोलो टायर्स के नंबर आए हैं, अपोलो टायर आज 6.5% ऊपर है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स तूफानी तेजी में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अपोलो टायर की बात करें तो वो 6.5% ऊपर है, अगर आप सीएट की बात करें तो 4% तो अभी ऊपर है, एंड 2220 का हाई लगा दिया है, जिस हिसाब से वो भी लगभग 6% ऊपर ही था, अभी भी 40 रुपए तो टूटा है ये शेयर अपने टॉप से देखोगे तो सारे पूरे सेक्टर में ही बड़ी तेजी चल रही है, रीरेटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं रिजल्ट्स बहुत शानदार आ रहे हैं। अगर इनके टेक्निकल टर्म्स को देखोगे तो चार्ट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, कंटिन्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन दिखेगी, बेस क्रिएशन दिखेगा, चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट वही है, इतनी तेजी में खरीदने की हिम्मत नहीं होती, वो भी ऐसे माहौल में जहां पे बाजार कंसोलिडेशन या साइडवेज के मूड में हो। तो मेरे को एक चीज सिर्फ बोलनी है आप सभी के साथ कि आपको जहां भी तेजी दिख रही है, जहां भी आप बाइंग कर रहे हो, वहां इतनी करना है कि इनकेस गिरावट आती है तो आप बचे रहो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज आपकी 8 नवंबर है, 12 नवंबर को दिवाली है, जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के रूप में 1 घंटे के लिए बाजार खुलेगा आपका, वो मुहूर्त ट्रेडिंग नाम है, अदरवाइज मार्केट में उस समय मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेड लेना चाहिए, कोई सौदा। वो ये होता है कि लोगों ने पहले का निवेश किया हुआ है तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन लक्ष्मी घर पे ला सके, पैसा निकाल सके। लेकिन लोगों ने इसको अलग तरीके से ले लिया कि एक दिन की ट्रेड है, दवा के ट्रेड मारो, 1 घंटे में पैसा बनाना है, तो वो आपकी दिवाली खराब करने वाली बात होती है। लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं बहुत सारे बाजार के एनालिस्ट कि ये जो प्री दिवाली रैली चल रही है और दिवाली के बाद बाजार एक साइडवे टू नेगेटिव भी जा सकता है, और जैसा प्रीवियस 3 महीने का डेटा रहा है कि मंथ की एक्सपायरी के पास बाजार टूटता है हैवीली, तो मे बी आपके लिए नवंबर सीरीज में भी वो रिपीट होता हुआ दिखे, और नवंबर में रिपीट हुआ तो फिर वो वापस नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि अब दिवाली का ट्रिगर भी खत्म हो जाएगा। तो आपको थोड़ी मैं सावधानी के लिए भी अलर्ट करूंगा, क्योंकि जब बाजार में तेजी होती है तो हमें कुछ भी खराब दिखता ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव दिखता है।
ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए ताकि आप कैपिटल एक साथ इन्वॉल्व ना कर दो। बस नेक्स्ट सेक्टर के बारे में बात की जाए तो वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ओएमसी की बात की जाए तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओआईएल, ये कंपनियां आप देखो क्या कर रही हैं, मतलब धमाका कर रही हैं। चाहे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आईओसी का, आज तो आईओसी फ्लैट दिख रहा है, कुछ तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप देखें तो 26 अक्टूबर को 86 रुपीस का शेयर था ये, और आज आपका कहां पे आगे खड़ा हो गया है, 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है एक हफ्ते में, ठीक है जी। और अगर 86 से काउंट करोगे तो लगभग 21% ऊपर है, 10 ट्रेडिंग सेशन में 21% के रिटर्न्स आ गए। बीपीसीएल का चार्ट ओपन करोगे तो आज अच्छी तेजी आई रही है शेयर में, और अगर इसमें भी अगर आप देखो तो 15% भाग चुका है। सेम हिंद पेट्रो, आज भी बड़ी तेजी है, और अगर आप काउंट करोगे तो वहां भी बड़ी तेजी आ चुकी है, ओआईएल में भी आई है। तो ये सारे शेयर अभी तूफानी रफ्तार में दिख रहे हैं, और थोड़ा सहारा भी मिल रहा है इनके लिए, पॉजिटिव ही है कच्चे तेल का गिरना। अब वहीं दूसरी तरफ टायर स्पेस के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, तो वो उनके लिए पॉजिटिव है। और फार्मा तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है तो आपके लिए शेयर करा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।